नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी का अपने YouTube चैनल विशाल एस्ट्रो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है हमारे चक्रास, जो हमारी बॉडी के अंदर चक्रा होते हैं, जो कि सूषुम्ना नाड़ी पर ये चक्रास होते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। जो चक्रा के बारे में आज मैं जानकारी दे रहा हूँ वह चक्रा है हृदय चक्रा, जिसको हम हार्ट चक्रा भी बोलते हैं, जिसको हम अनाहत चक्रा भी बोलते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं आने वाले समय में आपको और भी इसी तरह के अच्छे अनुभव आपके साथ में साझा कर सकूं। तो आज हम बात करने लगे हैं हमारी बॉडी का चौथा चक्र जो है वो है हृदय चक्र, जिसको हम इंग्लिश में हार्ट चक्रा कहते हैं। दोस्तों, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इसकी ऊर्जा को चलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर छोटे 114 तरह के चक्र हैं। इसको एक आम भाषा में कह दें कि स्विच हैं। जिस तरह हमारे घर में कई तरह के यंत्रों साधनों को चलाने के लिए स्विच होते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए, प्रवाह देने के लिए कई तरह के स्विचेस हैं, जिनको हम चक्र बोलते हैं। इनमें से जो मुख्य चक्र हैं वह 7 चक्र आते हैं, जो कि हमारे शरीर में सूषुम्ना नाड़ी पर आते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बॉडी में चक्र दिखाई दे रहे हैं। सब चक्रों का अपना अपना काम है। हर चक्र शरीर के अलग अलग अंगों को, मन को, तन को, हमारे व्यवहार को, हमारी बुद्धि को ऊर्जा देता है। और अगर ये चक्र इनबैलेंस हो जाएं, या ये काम करना बंद कर दें, या ये रिवर्स में चलने लग जाएं, तो हमें उस चक्रा से संबंधित परेशानियों को देखना पड़ता है। तो उसी में आज हम बात कर रहे हैं हृदय चक्र के बारे में। तो जो हृदय चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, यह हमारे शरीर में छाती के स्थान पर हृदय के समीप यह चक्र होता है। और इस चक्र का जो रंग है वह हल्का हरे रंग का चक्र है। और यह चक्र जो है बहुत ही सुंदर कमल के समान चक्र है। और इसके अंदर 6 तरह का, जैसे हम त्रिकोण कहते हैं, स्टार जो होता है, 6 एंगल वाला तारा, इस तरीके से ये चक्र बना हुआ है। और इसका जो मंत्र है वो है यंग। हम इसको नाक से बोलते हैं, य के ऊपर बिंदी, यंग करके शब्द है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वह बोला जाता है यंग 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 यंग, इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। आज मैं आपको इस चक्रा को क्लीन करने का एक सिंपल सरल साधन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस चक्र को ठीक कर सकते हैं अगर ये चक्र आपका ख़राब है। कैसे पता लगेगा आपको ये चक्र आपका ख़राब है? इससे होता क्या है कि बहुत से हृदय रोग हो जाते हैं, सब तरफ से धोखा मिलना, मन में खुशी ना रहना, विश्वास किया धोखा मिल जाना, और इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं ऐसे लोग, ब्लैकमेल बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, छाती से संबंधित, कफ से संबंधित कई तरह के रोग होते हैं। और ऐसे लोगों के मन में खुशी नहीं रहती है, मधुरता नहीं रहती है, मिठास नहीं रहती है, इनको दुनिया में कुछ भी हो रहा हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि यह चक्र आपका रुका हुआ है। जब आपका चक्र अपनी गति से तेज चलने लग जाता है
तब यह लोग भावनाओं में बहते हैं, ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। तो समझ लीजिए आपका चक्र ये अब स्पीड में तेज चल रहा है, इनबैलेंस हो चुका है। इसका सिंपल और सरल तरीका आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तरीके बहुत हैं लेकिन मैं ज़्यादा नियम ना बताते हुए सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप दिन में, दोपहर में, शाम को, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक कभी भी इसको जागृत करने के लिए, क्लीन करने के लिए आप अपनी चेष्टा कर सकते हैं। आपको एक साफ स्थान पर बैठना है, वह ज़मीन हो सकती है, ज़मीन पर कोई भी आप आसन बिछाएं, फिर ज़मीन पर बैठें, आप बेड पर बैठ सकते हैं, आप पलंग पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको एकाग्रत मन में बैठना है, स्थान पर बैठना है, शांत कमरे में बैठना है आपको। बैठने के बाद में आपने आँखें बंद कर कर ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है आपको, अपने मन को स्थिर कर कर हृदय के पास लाना है, छाती के पास लाना है और अपने मन में ये फील करना है कि एक चक्र है, जैसा मैंने बताया स्टार है, 6 ट्रायंगल वाला, वह घूम रहा है हल्के प्रभा से और वह हरे रंग का है। आप अपने मन में हरे रंग की चीज़ें लाना शुरू करिए और यह मन में करते समय आपने 5 मिनट यंग 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 इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करना है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, इसके बाद आपको एक क्रिया करनी है क्लीन करने के लिए, कि प्राणायाम करने हैं 10। कैसे करने हैं कि आपने जोर से बाहर को सांस खींच लेना है और सांस को रोक लेना है। सांस तब तक रोकना है जब तक आपको लगे कि अब सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उसके बाद फिर आपने धीरे 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 सांस को लेना है। तो एक चीज़ बता दूं, जिनको दमे की प्रॉब्लम है, जिनको सांस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो अपने सांस को ज़्यादा ना रोकें। अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करना है। इस तरीके से 10 बार जब आप करेंगे, आपके चक्रास में जो ब्लॉकेज है या ओवर स्पीड है, वह कार्बन जो है वह ख़त्म होने लग जाएगी और आप देखेंगे आपके जीवन में काफ़ी मधुरता आ रही है। यह जो चक्र है, इस चक्र के ठीक होने से क्या होता है कि नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र वह भी कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि यह इन 7ों चक्रों में सबसे बीच का चक्र आता है। ज़्यादातर इस चक्र को जागृत करने के लिए लोग जो जागृत करते हैं, वह साधना करने के लिए इसको जागृत करते हैं। जिस किसी को सिद्धि प्राप्त करनी हो, साधना करनी हो, मंत्र सिद्ध करने हो और सिद्ध करके मंत्र को रखना हो समेट के अपने अंदर, तो वह इस चक्र को जागृत करते हैं। सबसे विशाल चक्र ये हमारे हृदय में गिना जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, दिल किसका दिल खराब है, इसका मन खराब है, तो वह हृदय के ऊपर आधारित होता है, हृदय चक्रा के ऊपर आधारित होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात की है अनाहत चक्र के बारे में, हार्ट चक्रा के बारे में बात करी है। इसको ठीक करने के लिए कुछ ऑयल आते हैं, कुछ स्टोन आते हैं, जिनका पानी पी के आप इसको क्लीन कर सकते हैं और योगा अभ्यास सबसे बेहतर होता है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ऑयल आते हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं जो लगाने से हम हृदय चक्र की जो स्पीड है उसको ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से आप किसी इंजन को ख़राब होने पर मोबाइल देते हैं, कार में कई तरह के पॉइंट हैं, अगर आपको क्या गियर में प्रॉब्लम है तो गियर ऑयल डलेगा, क्लच में प्रॉब्लम है क्लच ऑयल डलेगा, स्टेयरिंग में प्रॉब्लम है स्टेयरिंग ऑयल डलेगा। उसी तरीके से हर चक्रा के लिए अलग अलग जड़ी बूटी होती हैं और उनका आधुनिक तरीके से कह दें कि ऑयल निकाल कर, तेल निकाल कर, उसको कई जड़ी बूटियों को मिलाकर ऑयल बनाया जाता है। जैसे आप जो देख रहे हैं, आप इसमें तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, तो आप ये ऑयल का प्रयोग करेंगे, प्रयोग की विधि भी हम बताते हैं, तो आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से अपने चक्रा ठीक करवाना चाहते हैं, चक्रा चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं।
और वीडियो देखें कि हम कैसे चक्रास को चेक करते हैं। ये जानकारी मैं आज आपको दी है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें मेरे वीडियोस को।